आप में से अगर कोई मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है तो इन रहस्यों को जान लें, तभी जाएं। मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले इन रहस्यों का जान लेना अति आवश्यक है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, लेकिन 21वीं सदी में भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि वह स्वयंभू हैं। स्वयंभू यानी खुद भूमि से निकले हुए। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं आखिर वो कौन सी चमत्कारी बातें हैं और कौन सी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज और सुगंधित चीज आप यहाँ से घर नहीं लेकर जा सकते। बताया जाता है ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाती है। मेहंदीपुर बालाजी की बाई छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं यह बालाजी का पसीना है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ता है। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियाँ होती हैं वह यह प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकत करने लगते हैं। भक्त करते हैं यह नियम का पालन। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं तो इन नियम का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम सीता की मूर्ति है जिसके वह हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद हैं। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक नियम है, उन्हें कम से कम एक सप्ताह तक लहसुन प्याज अंडा मांस शराब का सेवन बंद कर देना है। दो कैटेगरी का होता है प्रसाद। मेहंदीपुर बालाजी में बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की दो कैटेगरी हैं, एक दरख्वास्त और दूसरी अर्जी। दरख्वास्त को बालाजी में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को दो बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में तीन थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरख्वास्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम यह है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। 2 बजे लगता है दरबार। भूत प्रेतादि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। हम आपको बता दें यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेतादि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्रादि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्ट ग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेतादि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी मंदिर में आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला होता है इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, यहाँ की जो बालाजी की उत्पत्ति है वो ना किसी ने मूर्ति बनाई हुई है ना किसी के द्वारा उत्पत्ति की हुई, वो ऑटोमेटिक मूर्ति निकली हुई है। सबसे पहले यहाँ पे मेन मूर्ति बालाजी की और भैरव बाबा की है, पिता सरकार की है। ये तीन मूर्तियाँ यहाँ से यहाँ पे कुदरती रूप से निकली हुई है। इनमें शक्ति इस तरीके की है, यहाँ पे जो भी आदमी अपनी ऊपरी हवा दुख दर्द को लेके आता है वो 99% अपने कर्मों के हिसाब से ठीक होती है। यहाँ पर ना तो कोई करने वाला है ना कोई
ऊपर को अपने आप से बताने वाला है, यहाँ सिर्फ ऑटोमेटिक करने वाले बाबा है और कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ पर प्रसाद में देसी घी के लड्डू है, इसमें चूरमे के लड्डू आओ आपकी इच्छा हो तो बेसन के लड्डू है, ये भोग लगता है। और यहाँ से लोग प्रसाद ले जा सकते हैं? नहीं, यहाँ से प्रसाद का नियम ये हो गया था कि यहाँ से जो अर्जी का प्रसाद होता है वो लेके जाते हैं, इसके अलावा अपनी इच्छा के अनुसार 50 का, 51 का, 100 का, 500 का वो चढ़ाओ, वो आराम से लेके जाओ। जो मेन चीज़ अर्जी का प्रसाद होता है, 151 रुपये की अर्जी होती है, वो लेके नहीं जाते, इसके अलावा जो भी प्रसाद है आप आराम से लेके जाओ। और समाधि वाले बाबा का मतलब क्या महत्व? समाधि वाले बाबा का महत्व ये था कि जो सबसे पहले जो महाराज जी की पूजा की थी वो इन्होंने की थी, स्टार्टिंग से पूजा महाराज जी की इन्होंने की थी, ना कि इनको दर्शन नहीं दिए थे, इनको सिर्फ पूजा की स्टार्टिंग इन्होंने की थी, और इन्होंने सारा काम इन्होंने स्टार्टिंग से किया है। बालाजी महाराज की जो मूर्ति की स्थापना सब काम इन्होंने स्टार्टिंग से किया है, इनके अंदर भी शक्तियाँ है। एक बार प्रेम से बोलिए जय हनुमान जी की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में अपने परिवार दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।